तो देखो, जो सेल बुंदेली में लोकगीतों को सिलसिला बिल्कुल हमें ऐसे ही जारी रखे हैं, जैसे जैसे हमारे पास कलाकार आ जाए हैं और जैसी जैसी हमें वैरायटी मिलत जे है, जो जो सी शैली हमारे सामने आ है वह हम बिल्कुल आप तक पहुँचावे को बीड़ा उठाए हैं और हम बिल्कुल पहुँचा ही कर रहे हैं, चाहे कछु हो जाए, ये में चाहे हमें कितना परेशानी उठाने पड़े, लेकिन हम अपनी जब बात बिल्कुल समार के बैठे हैं कि नहीं, हमें तो अपनी संस्कृति को विस्तार करना ही आ है अपने पूरे क्षेत्र में, जबलपुर हो चाहे पूर्व मध्य प्रदेश हो, हम तो कहते भगवान करे एक दिन ऐसा आए कि हम और पूरे भारत में जान हो जाए कि हाँ भैया बुंदेली नाम की कछु भाषा बोली सोई कहात है। तो गाय से कि जब बड़ी मीठी बोली है बुंदेली अपनी, जब अपन एक दूसरे से बात करत है नहीं और बुंदेली में बात करो तो कितनी मीठी लगत है बुंदेली। तो अपने यही सिलसिला के अपन बनाए रख भी और नए नए कलाकारों के तो मौका मिल ही मिल है, जितने जो भी आ रहे हैं वो सभी के अपन मौका जरूर दे हैं और तरह तरह के लोकगीत आप तक लात रहे हैं। लेकिन तब तक के लाने रजनी पटेल की राम से हम आप तक बहुत प्यारी प्यारी विधाएं पहुंचात रहे थे और दूर दराज के जितने भी अपने कलाकार आ रहे हैं सभी को इनसे बड़ी खुशी भी मिला था कि चलो भैया कम से कम एक मंच तो हमें ऐसो मिलो जहां जाके हम अपनी कला को प्रदर्शन कर सकते हैं, जे अपने लोगों की कला आए कैसे कि अब टीवी के माध्यम से जहाँ तक हो, जहाँ तक भी अपने बुंदेली को एरिया है उते तक अगर अपन अपनी विधा के पहुँचा सके तो जब बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे ही हमने अपने ए बार के एपिसोड में बड़े दूर 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 दराज के क्षेत्रों से गायकों के बुलाओ हैं। अब देखा थे हमारे बीच में जो भैया चंद्रभान से हैं आए हैं चंदू भैया अपने, और जे आए हैं गौतम जी की मढ़िया के पास गढ़ा से, और जे का कह रहे हैं इनके हर गाना में हमने देखो है जे कछु न कछु संदेश जरूर देते हैं। अब इनने बहुत ही अच्छो संदेश दो है अपन औरों के लाने कि भैया मोड़ी मोड़ों के पढ़ाइयो, बिल्कुल सही बात या कह गए, बिल्कुल कह गए भैया जे अपने चंद्रभान भैया कि बिल्कुल पढ़ाई में सारे आ है और कछु में सार नहीं है, मोड़ा मोड़ी ये उते भग रहे हैं बिगड़ रहे हैं बिना मतलब के, और उनसे बिल्कुल बाल मजदूरी तो करवाइयो उन्हें, ज्यादा बड़ो भारी गुनाह है कि आज अगर लगन लगो कि दो पैसा कमा के लान लगे तो बड़े मीठे लग रहे। अब जब जे ही लड़का बच्चा पढ़ लिख है कछु अफसर बन जाए हैं कछु अच्छी नौकरी करन लग और जब भी ज़्यादा पैसा कम है तब तो और अच्छू लग है, तो उन ज़्यादा खे देखो कम खे न देखो तो अपने मोड़ी मोड़ो के नहीं जाए सारे अच्छे मार मार के पहुँचाओ, लेकिन स्कूल जरूर पहुँचाओ और उन्हें पढ़ाई करवाओ। तो चलो अपन सुने चंदू भैया के। अपने मोड़ा के ठीक से पढ़ाइयो बात मोरी मान जाइयो, अरे मोड़ी मोड़ा के ठीक से पढ़ाइयो बात मोरी मान जाइयो, मोड़ा मोड़ी के ठीक से पढ़ाइयो बात मोरी मान जाइयो, से पढ़ाइयो बात मोरी मान जाइयो, मोड़ा मोड़ी के ठीक से पढ़ाइयो बात मोरी मान जाइयो, से कि अपने अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाइए। कैसी? देखो आज के मोड़ा मोड़ी कर रहे बहुत दौड़ा दौड़ी चाहे पास न हो गए कोड़ी, देखो आज के मोड़ा मोड़ी कर रहे बहुत दौड़ा दौड़ी चाहे पास न हो गए कोड़ी, पैसा दे देखे पैसा दे देखे ये पैसा दे देखे इनके ने बिगाड़ी बात मोरी मान जाइयो,
की कर दई सब बेटों के मन की चिंता करी ने अपने तन की। हमने बात मान लई इनकी कर दई सब बेटों के मन की चिंता करी ने अपने तन की। रोज स्कूल ये रोज स्कूल ये रोज स्कूल पढ़वे तुम जाइयो पढ़ना। तो बेटा का कहने लगे हमसे कि पापा, हमने कहा हाँ बेटा हमको ले दो एक मोबाइल। कहने लगे हमसे हमको ले दो एक मोबाइल स्कूटी चश्मा और पायल जो भी हो बे नहीं स्टाइल। मोबाइल स्कूटी चश्मा और पायल देखी हो बे नई स्टाइल। शर्ट पैंट हमें ये शर्ट पैंट हमें ये शर्ट पैंट हमें जींस को मंगाई सुन के हमने सोची चलो जब गांव से शहर में आ ही गए हैं तो हमने नया मोबाइल ले दो। अब देखो हमने क्या कही देखो जो कल जो को खेल देखो जो कल जो को खेल बेटा होने जइयो फेल नहीं तो ढूंढत रहोगे। जो खेल बेटा भूले जइयो फेल नहीं तो ढूंढते रहो